हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की हाई थिंकिंग में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी डेजर्ट रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो आप इसे खाते जाएंगे, आपका मन नहीं भरेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस डेजर्ट रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्रेश लौकी ली है। अब इसे मैं पील कर लूँगी। तो इस लौकी की छिलकी को हम फेंकेंगे नहीं, इसे यूज़ करेंगे। अब लौकी को हम मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो इस डेजर्ट रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पर एकदम कच्ची लौकी लेंगे। तो अब लौकी के टुकड़ों को और इसके छिलके को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो लौकी का फाइन पेस्ट बनके रेडी हो गया है। अब लौकी के पेस्ट को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, इसके बाद हम इसमें लौकी का पेस्ट ऐड करेंगे। अब लौकी के पेस्ट को स्पैचुला से स्टर करते हुए हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप अमूल का मिल्क। अब इसे हम स्टर करते हुए 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो डेजर्ट हमारा थोड़ा सा थिक हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डाल के इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप कंडेंस्ड मिल्क। तो कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर। कलर डालना ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो कलर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमें इसे लिड से कवर करके 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, डेजर्ट बनके हमारा रेडी हो गया। अब इसमें थोड़े से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो डेजर्ट हमारा ठंडा हो गया, अब इसे हम सर्व करेंगे। तो इस डेजर्ट को आप फ्रिज के अंदर 2-3 दिन तक आराम से रखिए और जब मन करे तो निकाल कर खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो इसे चॉप्ड ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। तो आज ये लौकी डेजर्ट की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।